गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन बच्चों 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, क्वेश्चन 12 ये है कि what should be added to 7 whole 4 upon 15 to get 8 whole 2 upon 5 ? क्वेश्चन एक बार और समझते हैं बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 7 होल 4 अपॉन 15 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 होल 2 अपॉन 5 प्राप्त हो जाए। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 4 अपॉन 15, मतलब इसमें क्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो जाए, अर्थात 8 होल 2 अपॉन 5 प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, तो मान लेते हैं बच्चों कि लेट रिक्वायर्ड नंबर टू बी एक्स। मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड नंबर है जिसको कि इसमें ऐड किया जाएगा तो 8 होल 2 अपॉन 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसका, सॉल्यूशन देखिए। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं बच्चों कि वो जो नंबर है जिसकी आवश्यकता है इसमें जोड़ने के लिए वो एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ अब हम लोग जोड़ लेते हैं बच्चों, जोड़ के देखते हैं 7 होल 4 अपॉन 15 और प्लस उसमें हमने एक्स ऐड कर दिया। ठीक है, टू गेट कितना प्राप्त करना है इज इक्वल टू 8 होल 2 अपॉन 5 प्राप्त करना है, अर्थात इसमें हम एक्स ऐड कर देंगे और इतना प्राप्त करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, इक्वल टू इतना लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स ही चाहिए, क्योंकि एक्स हमने माना यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 8 होल 2 अपॉन 5। इक्वेशन का आप रूल जानते होंगे, 7 होल 4 अपॉन 15 का जब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 7 होल 4 अपॉन 15। ठीक है, अब इसको हम बदलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 5 8 जा 40। ठीक है, और उसके बाद 2 उसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 42 अपॉन 5, और यहाँ पे 15 7 जा 105 और 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 109 अपॉन 15। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद फिर पुनः यहाँ पे 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा बच्चों 15। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 से फिर पुनः 15 को डिवाइड करेंगे, आपको फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 3 जा 15 हो गया, 3 बार में ये डिवाइड हो गया और 3 का 42 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 126। उसके बाद पुनः ये माइनस हो गया, उसके बाद 15 1 बार में डिवाइड हुआ है और 1 का 109 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 109। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस करते हैं, 126 में से 109 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 16 यहाँ पे हो गया 7 और ये आपके यहाँ पे 1 में से 0 माइनस करेंगे 1। तो बच्चों यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 15, क्योंकि यहाँ पे 126 में से 9 माइनस हो जाएगा, 109 माइनस होगा तो आ जाएगा आपका 17 अपॉन 15। ठीक है, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं या इसको आप लिख सकते हैं 15 1 जा 15, 2 रिमाइंडर बचा, 2 को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और ये आपका हो जाएगा 15, अर्थात 1 होल 2 अपॉन 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे Hence, the required
रिक्वायर्ड नंबर नंबर इज इक्वल टू वन, तो वन होल टू अपॉन 15 ये आंसर है बच्चों। बच्चों अब हम लोग जो है क्वेश्चन इसमें का 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 है कि अ पीस ऑफ वायर, क्वेश्चन 13 अ पीस ऑफ वायर थ्री होल थ्री अपॉन फोर मीटर लॉन्ग, एक तार का टुकड़ा थ्री होल थ्री अपॉन फोर मीटर लंबा है। उसके बाद ब्रोक इंटू टू पीसेस लॉन्ग, ब्रोक इंटू टू पीसेस वन पीस इज वन होल वन बाई टू मीटर लॉन्ग, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उनमें का कह रहा है कि एक तार जो है इतना मीटर लंबा है, ठीक है, थ्री होल थ्री अपन फोर मीटर, और उसे दो भागों में तोड़ा गया है, जिसमें का वन पीस इज उसमें का जो एक भाग है वन होल वन बाई टू मीटर लंबा है, ठीक है। तो फिर कह रहा है इसमें कि हाउ, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस क्वेश्चन मार्क, इसमें कह रहे हैं कि अदर जो पीस है उसकी लेंथ क्या है, वो कितना मीटर लंबा है, ठीक है। तो बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, कितना मीटर लंबा है वो। बच्चों आपको पता है यहाँ पे कि टोटल लेंथ जो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू थ्री होल थ्री अपॉन फोर मीटर, जो टोटल जो वायर की जो लेंथ है जो लंबाई है वो थ्री होल थ्री अपॉन फोर मीटर है। डिस्टर्ब हो गया ना पूरा, तो बच्चों यहाँ पे जो वायर की जो टोटल लंबाई है बच्चों वो आपका थ्री होल थ्री अपॉन फोर मीटर है, ठीक है। और उसमें का जो वन पार्ट है, ठीक है, एक भाग जो उसमें का वन पीस जो है, ठीक है, लेंथ ऑफ वन पीस यहाँ पे अगर देखा जाए लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू उसमें का वन पीस है वो वन होल वन बाई टू मीटर लॉन्ग है। तो आपसे अदर पीस पूछ रहा है, ठीक है, तो यहां पे तो लेंथ ऑफ अदर पीस इज इक्वल टू, आप जरा बताओ, देखो बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। समझ लेते हैं कि कोई वायर है 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर, ठीक है, और उसमें से वन पार्ट यदि 3 मीटर का है तो सेकेंड पार्ट कितने का होगा। तो जो टोटल लेंथ है उसमें से आप जो वन पार्ट दिया गया है उसको आप माइनस कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। यहां से आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमको इसमें करना क्या है, ठीक है ना। तो इसमें का जो वन पार्ट है, जैसे मान लीजिए 10 मीटर लंबा था वायर सपोज दैट, और उसमें से वन पार्ट जो है 3 मीटर है, तो सेकेंड पार्ट कितना होगा, तो उसमें से हम 7 जो है 3 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही ये टोटल जो पार्ट था आपका 3 होल 3 अपॉन 4 मीटर था, और उसमें से माइनस कर देंगे 1 होल 1 बाई
टू, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे फोर थ्री जा, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन अपॉन फोर माइनस टू वन जा टू और वन थ्री बाई टू, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो जब एलसीएम निकाला जाएगा फोर और टू का, तो फोर आएगा, फोर वन जा फोर, वन का फिफ्टीन में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन माइनस टू का फोर में, ठीक है, टू से जब फोर को डिवाइड करेंगे तो टू बार में और टू थ्री जा सिक्स, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा, फिफ्टीन में से सिक्स माइनस करेंगे तो नाइन अपॉन फोर, और इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फोर टू जा एट, वन रिमाइंडर बच रहा है अर्थात वन बाई फोर, ठीक है। अर्थात यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन है टू होल वन बाई फोर, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, हैंस हैंस लेंथ ऑफ अदर पीस, अदर पीस इज इक्वल टू टू होल वन बाई फोर मीटर, ये आंसर है।